हे एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रुथ चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब कोई हमें याद करता है, मिस करता है, तो हमें किस तरीके से सिग्नल्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं और ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं समझाऊंगी, तब आप ये आसानी से समझ पाओगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और ये इस वजह से हुआ और ये पर्सन मुझे याद कर रहा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने डेली कोर्स रूटीन नहीं लिया है तो उसे लेकर ज़रूर फॉलो करें। उसने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है, तो आपको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये रूटीन बहुत ही इफेक्टिव है। उसके लिए आपको मुझे मेल करना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। अब मैं जो बताने वाली थी उसे बताना स्टार्ट करती हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपको याद कर रहा है या वो आपके बारे में सोच रहा है, तो इसके मैं तीन आपको साइंस बताऊंगी जो कि बिल्कुल क्लियरली आपको मिलेंगे। पहला साइन ये है कि जब कोई आपको याद करता है तो सडनली आप उसे मिस करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो फिर भी उसके थॉट्स आपके माइंड में जबरदस्ती आ रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सभी लोग वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। जिस तरीके से वाइब्रेशंस एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, उसी तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वाइब्रेशन को कैच करता है और इस तरीके से सामने वाले पर्सन के थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। इसीलिए जब हम लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, दूसरों को भेजते हैं, तो होता ये है कि उस पर्सन तक हमारी जो भी बात होती है, थॉट्स होते हैं, पहुंचने लगते हैं और हम आसानी से इसके जरिए अपने किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो अपने रिलेशनशिप को किसी के भी साथ हील करने के लिए आप उस वीडियो को देखकर फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है और आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। तो अगर आपके भी माइंड में कोई सडनली आने लग जाए, आप उसको याद भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको उसकी याद है, तो आप समझ लेना कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है और वो भी पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट जो साइन है वो ये मिलता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड के साथ, कोई भी हो, उसके साथ बिताई गई की गई बातें याद आने लग जाए जो कि पहले हो चुकी हैं और वो भी सडनली, तो आपको समझ जाना है कि अगेन वो पर्सन आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। सडनली आपको वो सारी बातें याद आने लग जाए, पास्ट की बातें याद आने लग जाए, तो ये सिंपली एक साइन होता है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है। बहुत सिंपल सा जो थर्ड साइन है वो ये है कि आपने अपनी बात किसी से नहीं कही है और सडनली उस पर्सन की बात आपसे कोई करने लग जाए या फिर आपको कहीं नेम्स वगैरह दिखने लग जाए एकदम से बहुत ज्यादा, तो आपको समझ लेना है अगेन ये एक साइन है जो कि सबकॉन्शियस कैच कर रहा है और आपको शो कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल कुछ साइन थे। आपको करना क्या चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब आपको साइन दिखे, जब आपको ये साइंस मिले, तो आपको एक अफर्मेशन भी करनी है। सबकॉन्शियस द्वारा भेजे गए सभी साइंस को मैं आसानी से पहचानती हूँ। जब आप इन अफर्मेशंस को करोगे तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं उसके लिए आप 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ, वो पर्सन मुझे याद कर रहा था। ये चीज़ मैंने एक पर्सन को बताई भी थी कि उन्हें ये सारे साइंस मिल रहे थे, तो मैंने जो है उन्हें ये अफर्मेशन सजेस्ट करी थी। तो उनके पार्टनर के साथ उनकी रिलेशनशिप खराब थी, तो उन्हें उनका जो था उनके पार्टनर का मैसेज आया, तो इस तरीके से वो श्योर हो पाई कि उनके पार्टनर उन्हें सच में याद कर रहे थे। तो आपको भी अगर ऐसे साइंस मिल रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है या इस तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो अगर आपको भी इस तरीके के साइंस मिले तो आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज करो। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज सच है। पूरे विश्वास के साथ एक बार इन्फॉर्मेशन को करके देखना, क्योंकि ऐसा होता है जब आपको साइंस मिलते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आपको जरूर मिलेंगे इस तरीके से, अगर चीजों को फॉलो करते हो। ये चीज मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लोगों को इससे सक्सेस मिलती है, तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। जो भी शेयर करती हूँ इस चैनल पे, वो सब सक्सेस मिलने के बाद ही शेयर की गई है, एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसे अगर आप भी फॉलो करते हो तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि 9 नवंबर से मेरी सेल्फ लव की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, तो उसे जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि सेल्फ लव करने से हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद चली जाती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं वो भी आना बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने थॉट्स के लेवल पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, और बाकी चीज़ें भी इसी वजह से क्रिएट होती हैं। तो उसे भी ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे मेल करना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। इसके अलावा मेरे किसी भी कोर्स को लेने के लिए आपको मुझे मेल ही करना है या फिर इंस्टा पे मैसेज करना है। आज के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।